अभी पेट्रोल खत्म हो गया, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। खेलो 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 तुम लोग। हेलो नमस्कार आदाब, दिस इज योर बॉय एमके ब्लॉग्स। आज बुधवार है और मैं शाम हो गया है, 4 बजे और आज चंडी मंदिर जाने का मन था तो अभी निकल रहा हूँ। आई होप थोड़ा लेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है, बट आई डोंट नो, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि 40 मिनट का रास्ता है कि होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। तो लेट्स बिगिन द राइड। तो आगे सेकंड फॉर्मेट फिल अप करेंगे ड्राइवर। सॉरी तो अभी गूगल बाबा का हेल्प लेते हुए मेरा दोस्त आशुतोष बहुत जिद कर रहा था निकले, और उसे पता भी है ना रास्ता, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, वो जा चुका है पहले, तो मेरे लिए आसानी होगी कहीं गुम ना हो जाऊँ। और आज थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। सो तो झारसुगुड़ा छोड़ चुके हैं, बेलपाड़ वाले रास्ते पे हैं और रोड्स आर वेरी गुड, बहुत ही प्यारे रोड्स हैं, बहुत ही सुंदर है। हम बम्पर तो है ही नहीं, आराम से स्पीड मेंटेन करके जा सकते हैं। बट तो झारसुगुड़ा बॉम्बे चौक, बॉम्बे चौक से सीधा पूरा जो राहुल किला जाने वाला जो मेन पार्ट नहीं रहता है वो वाला, इधर मतलब राइट जाने में राहुल किला, लेफ्ट जाने में संबलपुर और सीधा बेलपाड़ का रास्ता है, तो उस रास्ते पर जाना होगा। इधर से कितना किलोमीटर है भाई? इधर से सिर्फ 15 किलोमीटर है ऐसा बोर्ड है। तो चलते हैं आगे का रास्ता कवर करते हैं। अब पेट्रोल पंप तो मिला नहीं अभी तक मुझे, आगे होगा कि नहीं डाउट करवाना चाहिए। ईब नदी तो दिस इज द ईब नदी, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, पानी बहुत ही कम है लगता है और बालू और पानी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इवनिंग का तो वहाँ पे मंदिर। मिसकम्युनिकेशन हो गया थोड़ा, पहाड़ी मंदिर बोल रहा था उनको, एक्चुअली में चंडी मंदिर है, ये टोल गेट से इधर रास्ता लेफ्ट। Wow.
और यहाँ पे क्या हुआ है? और कुछ रास्ता भूल गए कि पता नहीं, कुछ नया रास्ता से आ गए हम लोग, तो पूछ के जा रहे हैं। मिलेगा तो अच्छा, नहीं तो गुम होने में भी दूसरा मज़ा है। कुछ नया मिलता है इसमें, तो देखते हैं आगे क्या होगा। दादा चंडी मंदिर रास्ता रखे ना रखे सीधा। थैंक यू। तो फिर लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर इस तरफ है और रामचंडी इस तरफ ना। 0202। हाँ बस आप अगर आओगे तो पढ़ लेना यहाँ से। भाई कितने दूर है भाई मंदिर है भाई? डबरी फल गए। हाँ थैंक यू। So we just reached at Ramchandi Mandir और ये व्यू है उसे देख रहे हो। हम उसी ब्रिज से आए थे, बस उधर से होके आए, फिर दो तीन तो गांव बीच में आया, उसके बाद इधर आए कुछ पूछ के पीछे नाव लगेगा मछली पकड़ रहे शायद। और सब देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। और आशु कैमरा के सामने के लिए रेडी? तो कहाँ जा रहा है? सो दिस इज माय बेस्ट बेबी बेस्ट। ये व्यू देखिए आप, और सामने शाहरुख खान पोज देता है वो आशु। ये आशुतोष है, इसको रामचंडी मंदिर आ चुके हैं और ये पीछे व्यू है। और मैंने हेयर कट किया, बहुत छोटा कर दिया हूँ तो शर्म आ रहा है टोपी खोलने में। पीछे मेरा दोस्त ये आशुतोष, और ये पीछे जो ब्रिज दिख रहा है उधर से ही आए थे हम लोग। और मंकीज बहुत है इधर, और बस और आगे जाके पता चलेगा क्या क्या है, मैं सबसे पूछूंगा अभी, तो आगे आगे देखते हैं। सो मंदिर की तरफ चलते हैं।
ये गेट बता कुछ ये है मंदिर के बारे में, तू तो आया पहले। चंडी मंदिर क्यों आया हम इसको? जितना दिख रहा है नीचे से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर नीचे तो जा रहे हैं हम लोग, और पता तो सली इस मंदिर का एक ही खासियत है, मंदिर के नीचे ही नदी है। यार कितने प्यारे प्यारे पपीस पपीस को तो इसको देख मंदिर ये क्या है कंस्ट्रक्टेड बाय बजाज नगर म्यूनिसिपल। हाँ नारियल लेते हुए क्यों? अच्छा तो तू पकड़ डंडा माकोड़ी में बहुत लग रही दौड़ भाई तू इधर डॉट सर तू पकड़ भाई माकोड़ी की दौड़ना भाई माकोड़ी में खेल में तो लग रही हेलमेट हेलमेट रख दे फिर हेलमेट रख दे थैंक यू कोट भी दे दो 12 लोग फोटो शूट खत्म हो गया आपका हट हट सो वी आर जस्ट नीचे जा रहे हैं मंदिर नीचे हैं बोले तो ये काफ़ी नीचे तो है ऑलरेडी फिर इधर से और नीचे जाना पड़ेगा हमको तो और नीचे और नीचे और नीचे और ये मंदिर रेड कलर में क्यों पेंट किए हैं आराम से आना ठीक है एट द एंड लैंड हो गया नीचे और ये नाव भी है आसु चल सो मंदिर के अंदर तो बहुत ही अंदर था शूट नहीं कर पाया बट ये काफी अच्छे हैं कहाँ अच्छे जीवा रखता है लेकिन लेकिन जेन दी गए सुबह खाली हो थी भीड़ है सर गुटी गुटी में आवाज गुटी जीवा रास्ता पर आते हैं कोई ना तो नान हुई थी बहुत भीड़ से ये भी लगी थी मुझे हाँ धीरे धीरे हो जाएगी शाम हो गई है सूरज डूब चुका है सॉरी फॉर दिस सांस फूल गया अगर कोई टूरिस्ट रात में आएगा तो इधर रहने के लिए भी सुविधा है
ये पता नहीं क्या नाम है, नहीं पता, बट टूरिस्ट लोग स्टे करने के लिए प्लेस है। चंडी मंदिर देख लिए हम लोग, लेट हो गई थी। अगर सुबह कोई आएगा तो बहुत ही एंजॉय करके थे, आराम से रेस्ट कर करके, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ना बहुत हेक्टिक हो रहा है। पैसा वसूल, ट्रिप ट्रिप तो नहीं बोल सकते, राइड बोल सकते हैं, छोटा सा राइड है, शॉर्ट राइड, मैक्सिमम 30 किलोमीटर होता है ना। अभी पेट्रोल खत्म हो गया, अभी थोड़ा ठेलना पड़ेगा इसको। तो ये भी मज़ा है दूसरी, नीचे है पेट्रोल बोल रहे हैं तो नीचे तक जाए। यहाँ पे मतलब अगर आप आ रहे हो ना तो पेट्रोल डलवा के आना, ऐसा मत सोचना कि आगे मिल जाएगा पेट्रोल, क्योंकि एक भी पेट्रोल पंप है नहीं इधर, तो इसी हिसाब से आना बस। और थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा, तो लाइफ के मजे लेते हुए और पैदल चल। शीशे में देखिए सीधा हो गया हूँ मैं। तो आपका एमके ब्लॉग्स पेट्रोल बिना भरवाए घूमने आया था और लटक गया इधर, तो पेट्रोल भरवा दिया है लोकल से इधर, 50 रुपये पर हाफ लीटर, तो 100 रुपये एक लीटर का हो गया, एक लीटर के आसपास ही था, अप्रॉक्सीमेटली एक लीटर ही होगा। और ये यहाँ पे ही पेट्रोल मिलता है आते वक्त, तो आपने देखा है कोई जगह, और ऊपर पेट्रोल मतलब कुछ भी है नहीं उधर ऊपर मंदिर की तरफ। और पूरा झारसुगड़ा छोड़ने के बाद से मंदिर आने तक एक भी पेट्रोल पम्प है नहीं इधर, तो पहले से भरवा के आना भाई लोग, नहीं तो हमारी जैसे परेशान हो जाएगा आप लोग। तो झारसुगड़ा एंटर हो गए हम लोग। अभी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि यहाँ पे OMP चौक बोल के एक जगह है, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे मोमोज ट्राई करने, आपको दिखाऊंगा कितना मोमोज, मतलब झारसुगड़ा में सबसे ज़्यादा मोमोज वहीं पे मिलता है ना, तो इसलिए खाने में अच्छा लगता है, वहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा है, उनका चटनी थोड़ा अलग है। ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है और मैं जहाँ मोमो खाने जा रहा हूँ वो भी सेम ही रूट है। कैसा लग रहा है? तीखा है, हाँ बहुत तीखा था यार। कैसा लगा तीखा खा के? रो पड़ा ये बंदा तो, रो दिया कितना तीखा था। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना पसंद आया तो। और नए नए जगह के बारे में आप भी बताओ ना कहाँ पे क्या है, तो मैं जाऊँगा वहाँ घूम जाऊँगा आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा। तो टिल द एंड साइनिंग ऑफ योर MK ब्लॉग्स, साइन हो गया।